स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खबर। बजट में सीएम भूपेश बघेल ने की ये घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में छत्तीसगढ़ के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। अब व्यापम पीएससी जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए कोई भी फीस परीक्षार्थियों को नहीं देनी होगी। यह सौगात मुख्यमंत्री ने सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए दी है, अर्थात छत्तीसगढ़ के बाहर के परीक्षार्थियों को पीएससी परीक्षा के लिए फीस भरनी पड़ेगी। ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में व्यापम की परीक्षा में सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्र ही फॉर्म भरने हेतु पात्र होते हैं, पर छत्तीसगढ़ पीएससी में देश भर के छात्र परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा में बैठते हैं। अभी हाल ही में 13 फरवरी को संपन्न पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 1,29,209 उम्मीदवारों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। इसके अतिरिक्त व्यापम, फूड इंस्पेक्टर, आरआई, एडीओ, सहायक प्रबंधक, छात्रावास अधीक्षक, केमिस्ट, उपभियंता, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक आदि पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करता है, जिसके लिए प्रदेश के लाखों छात्र परीक्षा फॉर्म भरते हैं। बेरोजगार छात्रों के लिए बार बार भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा फीस चुकाना महंगा पड़ता था। अब मुख्यमंत्री की घोषणा से प्रदेश के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात मिली है। इसके अतिरिक्त व्यापम, पीईटी, नर्सिंग, बीएड, एग्रीकल्चर, पीपीटी, वेटनरी आदि कॉलेजों में प्रवेश के लिए भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित करता है। बेरोजगार छात्रों के लिए बार बार भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा फीस चुकाना महंगा पड़ता था। अब मुख्यमंत्री की घोषणा से प्रदेश के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात मिली है।